हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीआरटी क्लास 4 का मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चों, इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ भी आप जाके चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज हम लोग आगे देखिए, इसका जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है ना उसको करेंगे। देखिए, ये है पार्ट आपका 2, ठीक है। और इसमें इस चैप्टर का नाम है, इस पार्ट का नाम है संख्याएं। और इसमें अभी हम लोग पूर्वाभ्यास का क्वेश्चन को हल करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे, स्थानीय मान लिखिए, यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, ठीक है। अब आगे हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन को हल करते हैं इस वीडियो में। देखिए बच्चों, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकों में लिखिए, यहाँ पर आपको दिया है शब्द में, ठीक है। शब्द में क्या दिया है, इसमें कह रहा है 120 यहाँ पर इस तरीके से शब्द में लिखा हुआ है, इसको आपको लिखना है इस तरह नंबर में, संख्या में, ठीक है, इस तरह डिजिट में, अंक में आपको लिखना है 239। अब 239 कैसे होता है, तो यहाँ पर आपको अंक में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉपी में उतारते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं, ठीक है, बुक में आपको नहीं भरना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को उतार लिया है, जेसीआरटी क्लास 4 मैथ पार्ट 2, वीडियो का ये पार्ट 2 है। और देखिए चैप्टर आपका 2 है, पार्ट 2 पूर्वाभ्यास का हम लोग क्वेश्चन को करेंगे इस वीडियो में, और चैप्टर का नाम आपका संख्याएं है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए अंकों में लिखने का रहा है, तो चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पर जैसे एक बना के दिखाया था आपका बुक में, उसको यहाँ पर लिखते हैं 120, बहुत आसान है, पढ़ते जाइए लिखते जाइए, ठीक है। चलिए देखिए इसमें कह रहा है 175, तो कैसे होता है 175, तो 175 जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, वही है 175, तो 175 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, आंसर होगा इसका इस तरह, ठीक है। अब आगे इसमें देखिए कह रहा है 239, हम लोग क्या पढ़ते हैं 239, ऐसे भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखना है आपको 239, 39 होता है, उसके बाद ना 40 होता है, ठीक है, 239, इसको क्या पढ़ते हैं 39, ठीक है, हिंदी में 39 बोला जाता है, ऐसे हम लोग अपना भाषा में क्या बोलते हैं 39 बोल देते हैं। अब आगे देखिए कह रहा है इसमें 389, तो यहाँ पर 300 लिखेंगे, अब 89 के बाद क्या होता है 90, इसका मतलब हुआ 80 89 लिखेंगे, 89, ठीक है, तब ना आगे होगा 9 धन 90, ठीक है, 88 89 90 इस तरीके से, तो 300 ये 89 हो गया। अब आगे देखिए 490, तो कैसे होता है 490, ऐसे होता है 555 हो गया, 663 663, ठीक है, ये हो गया 663, 757 हम लोग जैसे बोलते हैं 57 को 57, तो ये हो गया आपका 757, 870 तो ये हो गया आपका 870। अब आगे देखिए 919, तो 900 ये हो गया आपका 19, तो इस तरीके से आपको भर लेना है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से, और आप इसका स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते आगे, 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है शब्दों में लिखिए। अभी हम लोग किस में लिख रहे थे, अंक में लिख रहे थे, अब यहाँ पर अंक आपका दिया हुआ है, अब इसको क्या कह रहा है शब्द में लिखने कह रहा है, शब्द का मतलब होता है इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, ये हो गया आपका शब्द में, तो ये वाला चीज अब यहाँ पर आपका लिखाएगा। तो चलिए लिखते हैं, देखिए क्या है 101 है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 1, फिर लिखेंगे 100, और फिर लिख देंगे 1, हो गया आपका 101 शब्द में। अब इसमें देखिए 130 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 130, तो हमें देखिए 30 होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 222, तो लिखते हैं यहाँ पर पहले 2, फिर लिखेंगे 100, उसके बाद फिर 22, तो 22 कैसे होता है, ब में आकर बा, दृगई और 100। देखिए बच्चों, आपको 1 से लेकर 100 तक
शब्द में आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अलग से आपको 1 से लेकर 100 तक शब्द में कैसे लिखा जाता है तो उसको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो, और आता है तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे इसमें कह रहा है 457, अभी 57 हम लोग ऊपर में देखें तो लिखेंगे यहाँ पर 457। तो यहाँ पर लिखते हैं सौ आधा तो तम्या करता व न, ये हो जाएगा आपका 57। कैसे लिखिएगा, सौ आधा तो तम्या करता व न, 57 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 607 है तो लिखते हैं छः को आप छः विसर छः भी लिख सकते हैं या फिर छः और ह भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही होता है। तो यहाँ पर ऐसे भी लिखिए, तो चलिए ह ही इसको बना देते हैं। छः स क्या कह रहा है, 7, तो यहाँ पर लिख देते हैं 7, 607 हो गया। इसमें देखिए 779, ठीक है, तो लिखेंगे 700, हर सहु नौम्या करना समझ गए सी, ये हो जाएगा आपका 79, ठीक है। आगे देखिए 849 है तो लिखेंगे यहाँ पर 849, हर सहु 9 चौम्या कर चा और स, ये हो जाएगा आपका 49, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 889, ठीक है, तो लिखते हैं 889, ये हो गया। अब देखिए इसमें 988 है तो देखिए 988, ये हो गया आपका 988। 999, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले 9 फिर लिखते हैं 100, 99, नौ में से नी अदर 9, यो में कर या 9, वो में कर वे 99, ठीक है, ये हो गया आपका 999। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करते चलिए। अब आगे देखिए कह रहा है दिए गए बॉक्स में सही संख्या भर कर शब्दों में लिखिए, इसको भी शब्द में लिखना है। देखिए यहाँ पर एक पहले से बना दिया है 26, तो 26 कैसे लिखिएगा, देखिए इसमें आपको इकाई दहाई करना पड़ेगा, दाहिना तरफ से करते हैं इकाई दहाई, इकाई में कौन है 6, तो इकाई में 6 भरेंगे, दहाई में कौन है 2, दहाई के नीचे 2 भरेंगे, सैकड़ा में तो कोई है ही नहीं तो 0 भर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शब्द में 26। अब देखिए यहाँ पर इकाई में कौन है 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दहाई में कौन है 1, सैकड़ा में कौन है 4, लिखना कितना है शब्द में वही 416 लिखना है, तो यहाँ पर लिखते हैं 416, ठीक है। अब देखिए इकाई में 5 है, दहाई में 6 है, सैकड़ा में 4 है, तो 465, तो यहाँ पर लिखते हैं 465। अब इसमें देखिए इकाई में 6 है, दहाई में 4 है, सैकड़ा में 7 है, ठीक है, तो यहाँ पर अब लिखेंगे 746, ये हो गया आपका 746, ठीक है। अब देखिए इकाई में 6 है, दहाई में 5 है और सैकड़ा में 7 है, 756 हो गया, तो यहाँ पर लिखते हैं 756, 6 आधा प 9 56। अब लास्ट देखिए इसमें 852 है, 2 है इकाई में, दहाई में 5 है और सैकड़ा में 8 है, तो 852 हो गया, तो यहाँ पर लिखना है आपको 852, ठीक है। तो इतना आपको करना है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए अपना कॉपी में, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है बच्चों।
चलिए अब आगे देखिए बच्चों, 10 नंबर में कह रहा है दिए गए अंकों की मदद से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। देखिए बच्चों बहुत ही आसान है, अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अंक दिया है 1 2 3, तीन गो अंक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीन तीन अंक करके है। अब यही तीनों अंक को लेकर इसी तीनों अंक के मदद से आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना है। देखिए एक यहाँ पर पहले से बना हुआ है, सबसे छोटी संख्या इसी अंक को लेकर बनाया गया है, छोटा संख्या जब भी कहेगा छोटा अंक से स्टार्ट कर देना है और लिख देना है, कमा नहीं लगाना है, संख्या बनाना है जब संख्या बनाते हैं उस वक्त आपको कमा नहीं लगाना है, क्लियर है। जैसे देखिए 1 2 8, ये आपका सबसे छोटी संख्या बन गया 1 2 8 का, ठीक है। अब इसी का बड़ा संख्या बनाना है तो क्या करना होगा, बड़ा से स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ा अंक कौन है 8 है तो 8 लिखेंगे, उससे छोटा कौन है 2 है तो 2 लिखेंगे, अब 2 से छोटा 1 है तो 1 लिखेंगे। देखिए ध्यान से 1 2 और 8 से बनने वाला सबसे छोटा संख्या 128 हो गया और 1 2 और 8 से बनने वाला सबसे बड़ी संख्या 821 हो गया, ठीक है। ऐसा ही आपको यहाँ भी बनाना है, यहाँ भी बनाना है, यहाँ भी बनाना है, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे छोटी संख्या, तो इस लाइन में आपको छोटी संख्या बनाना है, इस अंक को, इस अंक को और इस अंक को लेके मदद से, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर आपको सोचना है, जैसे देखिए मैं यहाँ पर रफ में बताता हूँ, 0 को अगर पहले लेते हैं, अब देखिए सबसे छोटा तो लिख लिए 0, अब उससे बड़ा है 1, उससे बड़ा है 4, तो क्या ये 3 अंक का छोटा संख्या बना, तो ये आपका नहीं बना। क्यों नहीं बना, देखिए किसी भी संख्या के पहले 0 का मान नहीं होता है, उसका वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका सिर्फ 14 बना, 2 अंक का संख्या बना, 3 अंक का नहीं बना, तो इसको क्या करना होगा, इसको वैल्यू बनाने के लिए, इसका मान जो है बनाना होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस 1 को 0 के पास रखना है और 0 को 1 के पास कर देना है, मतलब अदला बदली कर देना है। तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे पहले, फिर 0 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, यही काम करेंगे तब सही होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। बहुत सारा बच्चा यही करता है, ठीक है, और ये गलत हो जाता है, आपको ये करना है, ये नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लेंगे, 0 नहीं, उसके बाद 0 लेंगे, फिर 4 लेंगे, 0 वाला में यही होता है, ठीक है। बाकी तो इधर आपका दिक्कत नहीं होगा, इसी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो 104 हो गया सबसे छोटा संख्या, 1, 0 और 4 से मिलकर, ठीक है, बनने वाला सबसे छोटी संख्या बन गया। अब इसमें क्या करना है, बड़ा संख्या बनाना है, तो बड़ा से स्टार्ट करेंगे, तो बड़ा कौन है 4 है, उससे छोटा कौन है 1 है, और उससे छोटा कौन है 0 है, ठीक है। 0 वाला जब भी रहे तो आपको क्या करना है, 0 से थोड़ा सा बड़ा जो है उसको पहले लिख लेना है, उसके बाद 0 लिखना है, तब जाके जो भी है उस अंक को लिख देना है। इसमें देखिए 0 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको बना सकते हैं। छोटा से स्टार्ट कीजिए, सबसे छोटा कौन अंक है 1 है, 1 लिखिए, उससे बड़ा कौन है 2 है, 2 लिखिए, 2 से बड़ा 3 है, 3 लिखिए, खत्म हो गया इसका आंसर। अब इसको उल्टा करके लिख दीजिए, पहले 3 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 1 लिखिए, ठीक है, ये सबसे बड़ा संख्या बन गया। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें छोटा बनाना है ना, तो छोटा से स्टार्ट करना है, 3 फिर 4 फिर 5, 345। अब इसको उल्टा करके लिख दीजिए, देखिए 5 4 3, हो गया काम खत्म, इतना ही आपको करना है। तो आप इसको अच्छे से चलिए देखिए और आगे दूसरा क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। 11 नंबर में कह रहा है ठीक पहले किसका, तो यहाँ पर जो संख्या दिया है, और ठीक बाद जो संख्या दिया है उसका ठीक बाद वाली संख्या लिखिए। तो चलिए लिखते हैं ठीक पहले और ठीक बाद वाली संख्या को लिखते हैं। देखिए 112 है, तो 112 के पहले क्या होगा, यहाँ पर इससे पहले वाला संख्या लिखेंगे और इससे बाद वाला संख्या यहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 12 में 1 कम कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा, तो 111 लिख देंगे।
अब 12 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 113 लिखेंगे। ठीक है, 111, 112, 113, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले 111 आता है और इसके बाद में 113 आता है। पहले वाला संख्या में क्या करना होगा, एक को घटाना होगा और बाद वाला संख्या को लाने के लिए एक को जोड़ना होगा। ये काम आप कर लीजिए, बस हो जाएगा आंसर। चलिए इसमें एक कम करते हैं, मतलब एक घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 271 में एक घटा देंगे तो 270 हो जाएगा। तो यहाँ पर 270, अब 271, अब 272, एक जोड़ दिए। आगे बढ़ाना है तो एक जोड़ना है और पीछे की ओर आना है तो एक घटा देना है, बस हो जाएगा। इसमें देखिए 500 है, तो 500 अगर आप पहले वाला नहीं लिख सकते हैं, तो बाद वाला तो तुरंत लिख सकते हैं, फटाक से लिख दीजिए। 500 है तो 501 लिखेंगे, 501। अब यहाँ देखिए 500 में एक कम करेंगे तो 499 हो जाएगा, तो 499 यहाँ पर लिख देंगे, हो जाएगा। इसमें देखिए 499 है तो 499 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी लिखे थे 499 में एक जोड़ेंगे, मतलब आगे वाला संख्या क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 499 के बाद हो जाता है 500 हो जाता है, ठीक है। इससे पहले क्या हो जाएगा, तो देखिए 99 में एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 498 हो जाएगा, ठीक है। 498, 499, तब 500 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 998 है, तो चलिए इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं। क्या करेंगे, 998 है ना, तो इसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़िए 8 और 1 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 9 ही आएगा, इधर कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ 9 है तो 9 ही आएगा, मतलब एक जोड़ देंगे तो आगे वाला संख्या मिल जाएगा। तो देखिए 998 में एक जोड़ दिए तो क्या आ गया, 999, यहाँ पर 999 भर दीजिए। अब यहाँ वाला संख्या को लाने के लिए क्या करना होगा, एक घटाना होगा 998 में, तो चलिए लिखते हैं 998, ठीक है, 998 हो गया, इसमें एक घटा देंगे तो चलिए घटाते हैं। देखिए 8 में एक घटेगा 7 आ जाएगा, इधर 9 में कुछ नहीं घटेगा तो 9 रहेगा, इधर 9 में कुछ नहीं घटेगा तो 9 रहेगा, तो कितना आया, 997, तो यहाँ पर लिख देंगे 997। देखिए 997, 998, 999 हो गया। अब इसको भी उसी तरह से बना सकते हैं आप, ठीक है, कैसे करिएगा, इसमें एक जोड़ दीजिए ये वाला आ जाएगा, और इसमें एक घटा दीजिए ये वाला आ जाएगा। चलिए पहले जोड़ते हैं फिर घटाते हैं। 1963 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ वाला संख्या आएगा, ठीक है। देखिए 3 और 1 4, इधर 6 आएगा, इधर 9 आएगा, इधर 1 आएगा, नीचे कुछ नहीं है तो जो है वही उतर जाएगा, क्लियर है। तो 1964 लिखेंगे, 1964 जोड़ने पर आगे वाला संख्या, ठीक है, और घटाने पर पीछे वाला संख्या मिलेगा। तो चलिए इसमें घटाते हैं, 1963 लिखेंगे, एक घटा देंगे तो घटाते हैं, 3 में एक घटेगा 2 आएगा, 6 में कुछ नहीं घटेगा 6, 9 में कुछ नहीं 9, 1 में कुछ नहीं 1, 1962, 1962, ठीक है, देख लीजिए 1962, 1963, 1964, इस तरीके से ये आ गया। बच्चों अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत हुआ तो आप कमेंट फटाक से कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन जो है ना अगला वीडियो में करेंगे, तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं आगे वाला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।